ओके, तो आज हम दो स्कूल ऑफ थॉट दैट आर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एंड मार्जिनल प्रोसेस को हम मजीद आगे लेके चल रहे हैं। जब हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, कॉस्टिंग का मकसद क्या है? टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ ए यूनिट, कि हमें एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट आती है। इसमें हमने एक रखी डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस या वेरिएबल ओवरहेड्स। वो एक्सपेंसेस जो पर्टिकुलरली एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की वजह से आए, उन एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ने कहा एक यूनिट को बनाने में जो भी डायरेक्ट कॉस्ट आएगी वो यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। बहस क्या चल रही है कि खर्चे को खर्चा कब माना जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई कॉस्ट इंकर करते हैं तो उसको एक्सपेंस कब माना जाएगा। या तो हमने जब सप्लायर से मटेरियल खरीदा और खर्चा मान ले, लेबर से जब हमने काम करवाया और खर्चा मान ले, मशीन जब चली हम खर्चा मान लें, या दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है कि सबर करें, उस खर्चे को आप यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बना लें, उस खर्चे को आप यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बना लें। यूनिट जब बिकेगा तो उसको खर्चा माना जाएगा, जब तक यूनिट नहीं बिकता आप उसको इन्वेंटरी में रखिएगा, खर्चा ना मानिएगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने कहा कि बात समझ में आ रही है, लिहाजा डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी है वो हम यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बना लेंगे और उसको प्रॉफिट और लॉस में इनकम स्टेटमेंट में खर्चा तब तस्लीम करेंगे जब वो यूनिट सेल हो जाएगा, बिक जाएगा, ना कि जब बनेगा। मार्जिनल ने कहा बात तो मुझे भी समझ में आ रही है। कि हम मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, मशीन की वेरिएबल ओवरहेड इंकर होने के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस के बुक पे नहीं मार देंगे, वे पकड़ हम उसको प्लांट यूनिट की कॉस्ट में संभाल के रखेंगे, इन्वेंटरी में रखेंगे, और जब उस यूनिट का रेवेन्यू आएगा तब इस यूनिट की कॉस्ट आएगी, तब पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये दोनों राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और कॉमन डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स है कि जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो भी यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग की यहां से राह जुदा होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग ने कहा कि वो खर्चा तो फिक्स्ड है, वो खर्चा तो एक पर्टिकुलर मंथ की वजह से आएगा, चाहे उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर आप कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें से कितने सेल हो जाते हैं, उसमें से कितने सेल नहीं हो पाते, इससे सुपरवाइजर की सैलरी का क्या लेना देना, फैक्ट्री के रेट का क्या लेना देना, डेप्रिसिएशन का क्या लेना देना, बिजली के बिल का क्या लेना देना, वो तो खर्चा आपका वैसे ही आएगा, चाहे आपकी क्लासेस हो या ना हो। फिर कितने एडमिशन होते हैं उससे इन खर्चों का क्या है, वो तो उस पर्टिकुलर मंथ की वजह से आते हैं। तो ये कहता है कि मैं सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को ही यूनिट कॉस्ट का हिस्सा मानूंगा, जबकि एब्जॉर्प्शन कहता है
कि मैं फिक्स्ड खर्चों को भी यूनिट कॉस्ट का हिस्सा मानूंगा। मार्जिनल ये नहीं कह रहा कि मैं खर्चा नहीं मानूंगा, एब्जॉर्प्शन ये नहीं कह रहा कि मैं खर्चा नहीं मानूंगा, खर्चा दोनों मान रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट और लॉस के अंदर इन कॉस्ट्स को कब रिलीज किया जाएगा, इन दोनों में फर्क। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि मार्च के महीने की सैलरी, किराया, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजली का बिल, मार्च में, ठीक है, मार्च में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि ये खर्चे मार्च में बनने वाले यूनिट्स की कॉस्ट में जज्ब हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एब्सॉर्ब हो जाएंगे, और अगर मार्च में बनने वाले यूनिट्स मार्च में ही बिक गए तो मार्च का खर्चा मार्च करेगा, लेकिन अगर मार्च में बनने वाले यूनिट्स मार्च ना बिक सका तो खर्चा मार्च नहीं बनेगा। ये खर्चा वो मंथ बेयर करेगा जिस मंथ में उन यूनिट्स को सेल किया गया। राइट, मटेरियल पे हम साथ हैं, लेबर पे हम साथ हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स पे हम साथ हैं, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड पे मजाक नहीं। हमारे फिरके अलग अलग हो जाएंगे यहां पर। तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इनसे कंपनी की प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा हम उसको देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पहला हम चैलेंजिंग सवाल ये कर रहे हैं कि बेटा तुम खर्चा एब्जॉर्ब करोगे कैसे? आपको एक यूनिट की कॉस्ट बतानी है, लिहाजा मार्च की अगर दो तारीख में मैं आपसे पूछ लूं कि एक यूनिट कितने का पड़ रहा है तो कैसे बताओगे कि मार्च में बनने वाला यूनिट कितने का पड़ रहा है? क्योंकि मार्च की जो कॉस्ट है वो तो मार्च के आखिर पे पता चलेगी। मार्च में बनने वाली यूनिट्स तो मार्च के आखिर में पता चलेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने कहा मैं ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन, रेट कैलकुलेट करूंगा जो कि क्या होगा, प्री डिटरमाइंड होगा। ये खर्चा मार्च से पहले ही डिटरमाइन कर लिया जाएगा। कैसे किया जाएगा? हम अंदाजा लगाएंगे कि आइंदा आने वाले महीने के अंदर बजटेड, फिक्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने होंगे, सैलरी कितनी होगी, किराया कितना होगा, बिजली का बिल कितना आएगा, हीटर लाइट कितना आएगा, पेंडिंग कॉस्ट कितनी आएगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कारखाने में कितना आएगा। तो कारखाने के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं हम वो एस्टिमेट तो कर सकते हैं ना, हम फैक्ट्री चलाते आए हैं, हमें तजुर्बा है, और हम अपने तजुर्बे की बुनियाद पर अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्च के महीने का खर्चा कितना आ सकता है। तो वर्ड ने क्या यूज किया, बजटिंग, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। चले आपने ये तो अंदाजा लगा लिया कि आपकी पिकनिक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी, आपने अंदाजा लगा लिया कि कोच का रेट इतना है, डीजल इतना होगा, टोल टैक्स इतने होंगे, पेनल्टी इतनी लगेगी, ड्राइवर इतना खाना खा लेगा, लेकिन तकसीम किससे करोगे? ये जितने स्टूडेंट चलेंगे, अब कितने स्टूडेंट चलेंगे ये तो पिकनिक के दिन में पता चलेगा, और आपको रजिस्ट्रेशन जो लेनी है वो तो पैसे पहले पता के लेनी है। बच्चे को जब तक पैसे नहीं बताओगे वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा आपको नंबर ऑफ बच्चे पता नहीं चलेंगे। तो दोनों अगर इंटरडिपेंडेंट है तो आश्रय आश्रय में बैठ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा पिकनिक में। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे विद द नॉर्मल और द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो फरवरी की लास्ट में ही हम ये अंदाजा बांध लेंगे कि मार्च के महीने में कारखाना चलाने का फिक्स खर्चा कितना आएगा
और मार्च के महीने में हमारी फैक्ट्री कितने घंटे चलेगी। हकायक मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जब होंगे तब मुंह दे देंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, आपने क्या किया, आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या प्रीडिटरमाइन कर लिया। हुआ ये कि आपने मार्च की बिगिनिंग में ही या फरवरी की लास्ट में ही ये कैलकुलेट कर लिया कि हमारा कारखाना चलने में पर आवर फी घंटा ₹50 का खर्चा आता है। सही है, ये हमने कैसे किया, फर्स्ट हमने ये देखा कि हमारी फैक्ट्री चलने में मार्च के महीने में इंशाल्लाह ₹5 लाख का खर्चा आएगा बजटेड, और हम मार्च के महीने में 10,000 घंटे फैक्ट्री चलाएंगे। ठीक है, हम ₹5 लाख का खर्चा करेंगे और मशीन्स को मिला के देखो कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि 10,000 घंटे कहां से आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको नंबर ऑफ मशीन से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपके पास कुल मिला के है ही एक मशीन, तो अगर आप एक दिन में 8 घंटे की शिफ्ट चलाते हैं, 8 घंटे मल्टीप्लाई में 30 ज्यादा से ज्यादा इतने घंटे चला सकते हैं एक मशीन को। लेकिन अगर आपके पास मशीन ज्यादा है 100 मशीन से तो फिर आप उसको 100 मशीन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर मशीन 8-8 घंटे चल रही है, 30-30 दिन चल रही है। ठीक है, हमने अंदाजा लगा लिया कि मार्च के महीने में ₹5 लाख का खर्चा आएगा और मार्च के महीने में 10,000 घंटे हमारी फैक्ट्री चलेगी, तो फी घंटा खर्चा कितना आएगा। फिक्स प्रोडक्शन ओवर ही 500,000 divided by normal level of activity is 10,000 hours. For each running hour, how much would the factory be costing us? 50? Now what happens? हम क्या करते हैं, इस कारखाने में एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट क्यू। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट क्यू, और वो प्रोडक्ट का एक यूनिट बनने में 2.5 आवर्स लेता है। प्रोडक्ट क्यू टेक्स 2.5 आवर्स टू प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोडक्ट क्यू टेक्स 2.5 आवर्स टू प्रोड्यूस। अब हम पर यूनिट कैसे करेंगे, ₹50 इस चीज का खर्चा है, ये एक एक आवर का खर्चा है, ये एक यूनिट का खर्चा नहीं है, ये एक एक आवर का खर्चा है, एक घंटे का खर्चा है। और प्रोडक्ट क्यू आपके कितने कितने घंटे जाया करेगा, 2.5। तो हम करेंगे भाई मतलब 1 घंटा ₹50 का, तो 525 यूनिट ऑफ क्यू करें, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन पर आवर एंड पर यूनिट। अब होता यह है, हाँ, मार्च के पहली तारीख पे करते हैं, चलो बिस्मिल्लाह शुरू करो फैक्ट्री, प्रोडक्ट क्यू बनना शुरू हो जाता है। पहले ही दिन अगर हम प्रोडक्ट क्यू के 400 यूनिट बनाते हैं, पहले ही दिन अगर हम प्रोडक्ट क्यू के 400 यूनिट बनाते हैं, तो उन 400 यूनिट में लगने वाली मटेरियल कॉस्ट तो 400 यूनिट में जाएगी, लेबर कॉस्ट तो 400 यूनिट में जाएगी, वेरिएबल ओवरहेड तो 400 यूनिट में जाएगी, और एब्जॉर्प्शन कहेगा कि बेटा एक मिनट रुको, ये 700 भी लेते हुए जाओ। दैट मींस क्या होगा कि हम हर बनने वाले यूनिट को
125 रुपीज फिक्स्ड कॉस्ट की मद में चिपकाते जाएंगे। यानी अब प्रोडक्ट क्यू का एक यूनिट मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ रहा है, वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ रहा है, प्लस फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड भी बढ़ रहा है। जो हर बनते यूनिट को हम खर्चा देते जाएंगे वो इन्वेंट्री में जाता जाएगा, खर्चा देते जाएंगे वो इन्वेंट्री में जाता जाएगा। अब अज्यूम करते हैं अगर मार्च के महीने में प्रोडक्ट क्यू के 4,200 यूनिट्स बनाते हैं और ये क्या है, ये हकीकत। अब मार्च खत्म होता है, अब मार्च खत्म होता है, लेकिन मार्च में हमने जब प्रोडक्शन रिकॉर्ड की तो बनते 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 मार्च की 31 तारीख पे हमने देखा कि पूरे महीने में हमने प्रोडक्ट क्यू के 4,200 यूनिट्स बने और हर यूनिट में 125 पीस आपने एब्जॉर्ब किए फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट की मद में और ये खर्चा कहां गया होगा, इन्वेंट्री में, यानी बैलेंस शीट में मेरे स्टॉक का हिस्सा बना है। अब हम देखिए क्या करेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये तो बजटेड है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन से या लेवल ऑफ एक्टिविटी से। यस हाँ, यू हैव गॉट टू ऑप्शंस। नंबर वन, अगर आप रेट पर आर रखते हैं तो आप इसको नंबर ऑफ आर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप ओएआर पर यूनिट रखेंगे तो इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, देखें अब आपका ओ की बात कितना है, 50 है पर आर, 125 है पर यूनिट। मल्टीप्लाई कर रहे आपने एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए, 4,200। और हर एक यूनिट को हम 125 का खर्चा चिपकाते गए, मतलब ये खर्चा इन्वेंट्री में डेबिट होता गया। तो बाय द एंड ऑफ मार्च आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में कितनी फैक्ट्री ओवर डेबिट कर चुके होंगे, वो 125 5,00,000 रुपए का खर्चा कहां जा चुका है, ये इन्वेंट्री में जा चुका है। लेकिन अब मफरूजों की, अजम्पशंस की, तुक्कों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मार्च खत्म हुआ है और अब हकायक हमारे सामने है। व्हाट हैपेंस जब मार्च खत्म होता है तो एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर मार्च इज 540,000, 5,40,000।
ठीक है, हमारा एक्चुअल खर्चा कितना आ जाता है 5,40,000। अब इन्वेंट्री में पहले ही कितना एब्जॉर्ब कर चुके हैं 525,000। ये तो इन्वेंट्री में डेबिट हो चुका। जब मार्च खत्म होता है तो हमने जब सैलरीज काउंट की, रेंट काउंट किया, डेप्रिसिएशन काउंट की, इंश्योरेंस का प्रीमियम काउंट किया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा देखा, बिजली का बिल देखा, क्लीनिंग कॉस्ट देखी, जब ये सारे खर्चे हमने फैक्ट्री के जोड़े तो पता चला कि मार्च के महीने में खर्चा 540,000 हुआ। काश अगर ये मुझे पहले पता होता तो ये 540,000 का खर्चा मैं यूनिट्स की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करता। लेकिन फ्यूचर इज ऑलवेज अनसीन, ना आपने देखा है, ना मैंने देखा है, ना कॉस्टिंग ने देखा है। तो होने के बाद हम कहेंगे मुझे तो पहले लग रहा था ये टीम जीतेगी, लेकिन सपोर्ट तो आप दूसरी टीम को कर रहे थे ना। एंड टाइम पे अगर काया पलट गई तो आप क्या करें? आप तो आप कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही थी सिक्स खेलने में जीतने वाली है, लगातार आपको लग रहा था वाली टीम जीतेगी, जो अब हार गई है पॉसिबिलिटीज है, आप कहने का कोई फायदा नहीं। अब मसले का हल निकालो कि 5,25,000 तो है एंट्री में डेबिट कर चुका और मार्च के आखिर तक 4,200 यूनिट्स आपके पास एज इट इज पड़े हुए हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। मुमकिन है कि इसमें से 4,000 यूनिट तो बिक भी चुके हैं, 800 यूनिट भी तो बिक भी चुके, वो तो भाग गए, कस्टमर्स को हमने चार्ज कर दिया मारकर। अब हम कस्टमर को फोन करके कहें जानी गलतियों के खर्चे तो ज्यादा हो गए, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। वो बेटा कौन सा कारोबार चला रहे बेटा, चीज आपने दे दी, हमने खा पी ली, आगे निकाल दी, आप क्या आ गया? ये फेयर नहीं। अब कंपनी देखिए यूनिट ज्यादा बन गया, यूनिट कम बन गया, खर्चा कम लग गया, खर्चा ज्यादा लग गया, कस्टमर बोलेगा मैं नहीं समझता तुम्हारे बस से, आपने मुझे कीमत 5,000 रुपए बताई थी, मैंने 5,000 रुपए के हिसाब से इनवॉइस रखा है अपने पास, पैसे दे दिए, खत्म बात। अब आपका खर्चा बढ़ गया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब प्रॉब्लम 525,000 लेकिन एक्चुअली बंदा कितना लगा 540 का, हम बोले तुम मर गए 1,500 का क्या करें, तो ज्यादा आ गया खर्चा, ये तो मैंने इन्वेंटरी की कॉस्ट में डाला ही, और क्या करें? अब अगर मैं इन्वेंटरी की कॉस्ट में डेबिट करता हूं ये 15,000 तो आखिर में बचे हुए 200 यूनिट्स बोलेंगे कि भाई मैंने क्या बिगाड़ था बॉस, मैंने किया क्या, मुझे क्यों दे रहे हो? यानी यू समझ ले कि मैं जब पिकनिक से वापस आऊं तो पता चले कि रास्ते में जुर्माने ज्यादा लग गए, या तो ड्राइवर पता नहीं किसी की शादी समझ के आया था, खाना इतना खा लिया कि जहां मैंने सोचा था कि पिकनिक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30 आएगी वहां 36,000 आ गई, डीजल ज्यादा लग गया। लेकिन अच्छा हुआ दो बंदों ने ना अभी पैसे नहीं दिए थे, वो कहते कि पिकनिक से वापसी में मेरे भाई भी आएंगे, जब दे दूंगा बचत होगी, कैसे पॉसिबल कि वो 6,000 रुपए मैं दोनों की पटा दू? फेयर नहीं। मैं बोलूंगा गलती हो कि मैंने अंदाजा गलत लगा लिया। अब अंदाजा गलत लगाया खर्चे का या स्टूडेंट्स कम चले, अब कोई स्टूडेंट आपको पैसे भर के नहीं देंगे। अब ये नफा नुकसान किसका? तो 525,000 तो आप इन्वेंट्री में डेबिट कर सकते हैं, लेकिन जो 15,000 है आप इन्वेंट्री में डेबिट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि पूरे महीने में हमारा एब्जॉर्ब फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना था। एब्जॉर्ब का मकसद समझना, एक होता है बजटेड, एक होता है एक्चुअल, और एक होता है एब्सॉर्ब। तीन चीजें, कौन कौन सी? बजटेड, एक्चुअल और एब्सॉर्ब। अब इसका तरीका समझना,
मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन हूं, पिच के हिसाब से सामने वाली टीम को देखकर फर्स्ट बैटिंग पे जा रहे हैं, मैंने अपनी टीम को कहा कि 50 ओवर का मैच है ओडीआई और आपने इसमें 250 रन स्कोर करके आना है। इसी टारगेट पर हम जीत सकते हैं, इसी कम देंगे हम जीत नहीं सकेंगे, सही है। क्या मैंने उनको कहा कि 50 ओवर के लिए आपने 250 रन स्कोर करके आना है। वो कहते सर विल ट्राई आवर बेस्ट। वो खेलते हैं खेलते हैं खेलते हैं 40 ओवर में स्कोर बनाते हैं 215। बारिश हो जाती है, मैच वहीं रुक जाता है। जब वो वापस आते हैं पवेलियन में, मैं बॉक्स जाके बैठा हूं, बात ही नहीं कर रहा हूं उसे, गुस्से में। वो कहते कैप्टन साहब खैरियत तो है? फिर बस वो लावा फूट पड़ता है कि निकल जाए बेवकूफ हो, 250 और 15 में एक नहीं समझ में आता, 250 बोला था 15 नहीं बोला था, अगर क्या अंधो क्या बना क्या 215 पे वापस आए हो बैठ लाते लाते, आईना कभी लेके नहीं जाऊंगा, टूर पे आते हो क्या यार, बस घूमने फिरने की शौक है क्या, सही सुना रहा हूं मैं, क्यों 250 बोले थे 215 बना क्या है, तो क्या फूलों के हार चढ़ा हुआ, क्यों गलत बोल रहा हूं मैं, गुस्सा मेरा जायज नहीं है। इससे बजट मैंने उनको क्या दिया था 250 रन, और एक्चुअली उन्होंने क्या बनाया है 215। तो 250 की जगह पे 215 बना रहे हैं, जड़ी के गलत क्या कर रहा हूं मैं, गुस्सा ना कर तू क्या कर रहा फिर। उनका स्कोर वैसे बनना कितना चाहिए था 250, लेकिन ओवर कितने चले हैं 40। तो सामने वाले कहेंगे सारा खड़े हो जाए, बात समझे, आपने जो 250 रन का हदफ दिया था वो 50 ओवर के लिए था, बारिश का क्या करें 40 ओवर पे आ गई, तो हमने अभी 10 ओवर तो खेले ही नहीं है, हमने तो खेले ही 40 है। अब आप मुझे ये बताएं कि 40 ओवर में स्कोर कितना बनना चाहिए था, हाउ कम करेक्ट, हम रन रेट कैलकुलेट करते हैं कि वी हैड टारगेटेड देम 250 रन्स, 250 रन्स एक्चुअल तो नहीं थे ना, बजटेड थे, तो देखो 250 रन्स डिवाइडेड बाय 30 ओवर्स, समझ रहे मेरी बात, हम क्या कर रहे हैं 250 रन्स बनने चाहिए थे 50 ओवर्स में, तो हर ओवर में स्कोर क्या आना चाहिए था, चलो मैसेज किसके हर चलते ओवर में 5 रन बनने चाहिए, हर चलते घंटे में 50 रुपए का खर्चा आना चाहिए, और अब हम उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं एक्चुअल ओवर से, एक्चुअली ओवर कितने चलेंगे, तो इसमें एक ख्वाब एक हकीकत है, 5 रन एक ओवर में बनेगी, ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपका ख्वाब है, और 40 ओवर चले हैं ये हकीकत है, तो एक ख्वाब और एक हकीकत दोनों को मिक्स करें तो 40 ओवर में व्हाट द स्कोर शुड हैव बीन, स्कोर कहते हैं एक्रो, कंपेयर किसको करना चाहिए, एक्चुअल और बजटेड को या एक्चुअल और एब्जॉर्ब को,
एंड एब्जॉर्ब दो। बजट के अंदर जो बुनियाद अलग है वो 50 ओवर का टारगेट है कि 40 ओवर की हकीकत है, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करना फेयर नहीं है। और आपको सही फिगर तब मिलेगी जब आप एब्जॉर्ब को यही देखें कि एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी में कितना खर्चा आना चाहिए था। ऐसा तो हमें कंपेयर किसको करना है, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड को इससे। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड से अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो एक्चुअल खर्चा ज्यादा आ गया होगा, या तो एक्चुअल खर्चा कम आ गया होगा, या बराबर सकता है। इस केस में हमने एब्जॉर्ब कितना किया था, 5,25,000 525,000। तो एब्जॉर्ब वॉज 525,000 एंड हाउ मच हैज एक्चुअल कॉस्ट बीन, 540,000। कंपनी को नुकसान हुआ या फायदा, लॉस कितना, 15,000 रुपए की 10 लग गई। अब सवाल क्या है, 15,000 का क्या करें, एब्जॉर्प्शन तो बड़ा कहता आ रहा था कि जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड होगा वो यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, तो लगाओ ये 15,000 रुपए यूनिट की कॉस्ट में। लेकिन एब्जॉर्प्शन बोलेगा कि भाई पहले मुझे थोड़ी पता था कि खर्चा इतना ज्यादा है। तो इसको हम वर्ड करेंगे एस अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्ब या फिर ओवर एब्जॉर्ब, दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। आपने मेरी मिसाल के तहत एब्जॉर्ब कितना किया था, 525, ये एब्जॉर्ब है, और एक्चुअल खर्चा कितना आया है, 540। आपने एब्जॉर्ब कम किया है या ज्यादा एक्चुअल से, कम। आपने 525 एब्जॉर्ब किया और एक्चुअल 540 आया, 15,000 से आपने अंडर एब्जॉर्ब किया है जो कि आपके गले में आया है, और ये खर्चा प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट को चार्ज किया जाएगा इमीडिएटली। बजट के अंदर दो अंदाजे हैं, 250 रन बनने चाहिए भी अंदाजा है, 50 ओवर चलेगी ये भी अंदाजा है। एब्जॉर्ब में 250 रन बनेगी ये अंदाजा है, लेकिन 40 ओवर चले हैं ये हकीकत। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ये हमने एब्जॉर्ब कर लिया, जिस तरह यहाँ पे 250 रन बनेगी ये भी गेस किया था, 50 ओवर चलेगी ये भी गेस किया था, तो 5 रन पर ओवर बनेंगे ये हमारा अंदाजा ही है। इतना खर्चा आएगा ये भी गेस किया है, इतनी लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी ये भी गेस किया है, तो हर घंटे में 50 रुपए का खर्चा आएगा ये भी गेस किया है, तो हर घंटे में 150 रुपए का खर्चा किया जाएगा ये भी गेस किया है। लेकिन दर हकीकत जब आपको पता चला कि 4,200 यूनिट बने हैं, 4,200 यूनिट बने हैं, क्या ये भी अंदाजा है, नहीं, ये हकीकत है। अब मैं कहता हूं कि अगर हर यूनिट में 1,250 रुपए का खर्चा आना चाहिए था, ये अंदाजा है, तो 4,200 यूनिट में खर्चा कितना होना चाहिए था, ठीक है, 4,200 हकीकत है और 1,250 रुपए अंदाजा है, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बजट में आप 4,200 यूनिट्स नहीं रखेंगे, ठीक है, आप 4,200 यूनिट्स नहीं रखेंगे, देखिए
आप हर रुपये कितना टाइम लगा रहे हैं और घंटे कितने थे? 10-10। अब देखो अगर हर यूनिट 2.5 घंटे में बनता है तो 10,000 घंटों में कितने यूनिट बन सकते हैं? चलाओ दिमाग। नहीं, अगर हर यूनिट 2.5 आवर्स 2.5 घंटे में बनता है तो 10,000 घंटों में कितने यूनिट बन सकते हैं? यस, एंड द अमाउंट इज 4,000 यूनिट्स। यानी कि जो बजटेड नंबर ऑफ एक्टिविटी है वो है 4,000 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए 5 लाख को डिवाइड करें 4,000 यूनिट से। 5 लाख बजटेड है, 4,000 यूनिट भी बजटेड है, 125 पर यूनिट आ गया। तो 5 लाख भी बजटेड है, 4,000 भी बजटेड है, 125 भी बजटेड है, लेकिन 4,200 यूनिट में ना कोई अंदाजा है, ना कोई तुक्का है, ना कोई असम्पशन। जो एब्जॉर्ब की फिगर आएगी वो बाय एंड ऑफ मंथ है। ठीक है, वन टू फाइव, यस। हाँ, वेल फर्स्ट, अगर आपका लेबर मटेरियल मिला के खर्चा 875 है, क्या क्या चीजें मिला के? डायरेक्ट खर्चे मिला के 875 है। 875 डायरेक्ट कॉस्ट, 125 की फिक्स्ड कॉस्ट। हम बोलेंगे 1,000 रुपए का तो भाई पड़ रहा है, मैं आपको मिसाल 50% मार्जिन कर रहा हूं तो मैं 1,500 रुपए में बेचूंगा आपको। ठीक है, तो मैंने कस्टमर को जो कॉस्टिंग करके चार्ज कर रहा है वो 1,000 रुपए के हिसाब से करना है। आखिर में वो चीज 1,000 रुपए से महंगी पड़ जाती है या सस्ती पड़ जाती है, ये आपका प्रॉब्लम है। तो आप देखो, एक वापस मेरी अजम्पशन पे आना, पिकनिक पे चलने के लिए मैंने जिस वेन्यू से बात की, जिस बुफे सिस्टम से बात की, कोई हाइटी के लिए बात की, तो 1600 रुपीज पर हेड मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। यानी उस वेन्यू की जो एंट्रेंस चार्जेस है, बुफे चार्जेस है, हाइटी चार्जेस पर हेड है, वो सब मिला के 1600 रुपीज बंदे की शक्ल के पैसे में। तो अगर कोई स्टूडेंट एंड टाइम पे सीन कर देता है कि मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकती, मैं बरोबर बोलू है क्योंकि मुझे 1,600 रुपए गले में नहीं आएंगे। आप नहीं चलते, 1,600 रुपए क्या चाहिए? और मुझे डर के तो पैसे भी तो नहीं दिए थे, बना दी। लेकिन फिर एक मसला क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डीजल, कोच वगैरह सब मिला के मैंने अंदाजा लगाया कि 30,000 रुपए की कराची हैदराबाद अप डाउन होगी। वो 30,000 रुपए का खर्च आप कैसे रिकवर करेंगे? तो आपने क्या किया, बजट किया कि हमारा फिक्स ओवरहेड कितना है, 30,000, और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, हर बच्चे का अमाउंट निकालने के लिए आपने इसको नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी से किया तकसीम। आपने ये कहा कि सीट तो 48 है लेकिन उसमें कोई टीचर बैठेगा जैसे हम चार्ज नहीं करेंगे, कोई एडमिन का बंदा हमारे साथ अगर चलता है हम चार्ज नहीं करेंगे, या अगर बस 100% फुल नहीं होती तो कुछ सीट खाली रह सकती है। तो नॉर्मल ऐसा होता है कि 40 सीट तो भरी जाती, 40 सीट तो भरी जाती। हमने क्या किया, 30,000 की बजटेड कॉस्ट को 40 सीट्स क्या है, ये भी बजटेड है। एक नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी है कि जब भी पिकनिक पे चलते हैं तो तकरीबन एक बस में 40-50 तो बैठता है, और हम ये मार्जिन रखेंगे कि इसे ज्यादा हो सके कम ना हो सके, क्योंकि ज्यादा होने से फायदा है। तो फी बचा आप कितना चार्ज करेंगे, 720। अब 1,600 रुपए वो और 700
250 ही, ये हो गया 2350, 2350। अब अगर कोई स्टूडेंट मुझे कहता है सर आप मेरा नाम लिख ले, पैसे मैं आपको सुबह सुबह आके दे दूंगी, मैं कहता हूँ सीट वैसे भी खाली है, चलो नाम लिख लेता। या जहन ये बनाया कि उसकी सीट क्योंकि रिजर्व है, अब अगर मुझे कोई और बच्चे नहीं कहते क्योंकि सबको आंख खुलती है पिकनिक की रात पर एक दिन पहले, नखरे करके आखिर में बोलते चले भला चल रहे आप बोलते हैं, और अब मैं कहता हूं कि खत्म, अब रजिस्ट्रेशन नहीं है, अब रजिस्ट्रेशन नहीं है, अब मैंने आपकी वजह से बाकी बच्चों को मना कर दिया। और पिकनिक की सुबह पे आप मैसेज करते हैं कि सर सिम्टम्स है, सिम्टम्स आ रहे हैं कोविड के, मैं नहीं चल सकती, मसले सारे उठते हैं, सही घर में ये हो गया, फला फूफा को ये हो गया, जिसकी वजह से बस माजरत में नहीं जा सकता, मैं बड़े फखर से घूम रहे नहीं जा सकता, क्योंकि 1600 रुपए तो बच जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन 750 रुपए का क्या होगा, वो तो मैंने आपके ऊपर चार्ज किए थे फिक्स किए हैं, मत में नहीं भी जल्दी तो भी आएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, लेट्स असम आपके पास रजिस्ट्रेशन आती है 38, आपने हर स्टूडेंट से कितना चार्ज किया 750, और एक्चुअली जब पिकनिक के लिए सेल्फ वाला बस का तो कितने बच्चे बैठे थे, एक्चुअली बैठे थे 38 स्टूडेंट्स, तो आपने रिकवर कितना दे दिया, रिकवर कितना कर लिया स्टूडेंट से, चार्ज कितना किया 38,500। देखो अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये 30,000 क्या है, ये प्योर बजटेड है, ये 38,500 क्या है, ये एब्जॉर्ब है, क्या अभी बस का सेल्स लगा है, अभी पहले खेल में बस आई है, अभी हम पिकनिक से वापस नहीं आए, अभी टोल टैक्सेस का पेनल्टी का डीजल का खाने पीने का कुछ नहीं पड़ता, तो एब्सॉर्ब हो गए 28,500। शाम में जब वापस आते हैं तो जब ड्राइवर कहते हैं कि सर खर्ची तो दे, पूरा धन आपके साथ चलेंगे, आपने बोला था 8 बजे तक वापस आ जाएंगे, देखिए 12 बज रहे हैं, अब वो मस्ते गिनवाता है, हम कहते हैं चलो दे देते हैं, फिर तो फिर अगली बार फिर मसला करेगा, हमने उसको खर्चा पानी भी दे दिया, लेट्स से फॉर इंस्टेंस हमारा एक्चुअल खर्चा आ गया 31,000 रुपीज, नाउ व्हाट इज दिस 31,000 रुपीज, दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल, मुझे स्टूडेंट से रिकवर कितना हो गया था 28,500, लेकिन जेब से कितने देने पड़ रहे हैं, हाउ मच इज डिफरेंस 2,500 रुपीज, इसका क्या करेगा, कौन भरेगा, मैं या बच्चे, अब मैं, सही है, अब ये मेरे गले में, अब ये खर्चा जो मुझे मंथ के आखिर में पता चला है 2,500 रुपए का नुकसान, एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन मैं दूंगा, यदि मेरा कंट्रीब्यूशन लग गया, मैं तो नहीं देना चाह रहा था, पिकनिक का ऑर्गेनाइजर था, लेकिन भरने आपको, अब मैं हर बच्चे को नहीं कह सकता यार देखो आप लोगों के लिए इतना एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत के बचना तो उसके उल्टा 2,500 रुपए जा रहे हैं, 200 रुपए देते हुए आप उन्हें हाँ हाँ देते, आप देखिए आपने एब्जॉर्ब किया, आपने एब्जॉर्ब किया 28,500, एक्चुअल कितना आ गया 31, ये क्या हुआ अंडर एब्जॉर्ब, एंड अंडर एब्जॉर्ब द लॉस, ये खर्चा प्रॉफिट और लॉस वो महीने का ही भरेगा, ये खर्चा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता बच्चा, नहीं, हाँ जो पर हेड आपने 750 चार्ज किए थे,
ये आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट पे रखे। इन्वेंट्री सेल होगी तो खर्चा मानेगी, नहीं होगी तो नहीं मानेगी। 750 रुपए को आप ऑल्टर कर सकते हो, वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन 2500 किसी की नहीं छूटी। क्वेश्चन नहीं आ रहे ऑप्शन रेट। व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि हमने 4200 यूनिट्स बनाए, क्योंकि हर यूनिट का टाइम कितना लेना था, 2.5 आवर्स। अगर एक घंटा 50 रुपए का है तो 2.5 घंटे कितने के होंगे? अगर एक घंटा 50 रुपए का है तो 2.5 घंटे कितने के होंगे? यानी कैलकुलेट किया 125 रुपए के। तो 125 रुपीज की हमारी पर यूनिट कॉस्ट है। हर बंदे यूनिट को हमने 125 रुपए चिपकाए कि भाई जो मेरे फैक्ट्री से गुजरेगा 125 रुपए लेता हुआ जाएगा, ठीक है, वो उसकी कॉस्ट में चार्ज होंगे। जब मैंने 4200 यूनिट्स बाय द एंड ऑफ मार्च बना लिए एंड ईच यूनिट वाज टेकिंग 125 रुपीज, तो मेरा खर्चा 525 रुपीज का इन्वेंट्री की कॉस्ट में जम हो चुका है। दोस्तों क्लियर है कि मेरा 525 का खर्चा, 525,000 का खर्चा इन्वेंट्री कॉस्ट का हिस्सा बन चुका है। दिस इज हाउ वी एब्जॉर्ब दिस। हाँ, 4000 यूनिट्स वाले पे आते हैं। मैंने ये बात की कि हर यूनिट बनने में 2.5 आवर्स लेगा, 2.5 आवर्स लेगा। मेरे पास आवर्स कितने हैं? मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी या नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 आवर्स की है, ठीक है, और हर यूनिट बनने में 2.5 आवर्स ले रहा है, तो मैं डिवाइड करूंगा इसको 2.5 आवर्स से, कि अगर हर यूनिट बनने में 2.5 घंटे लेगा तो 10,000 घंटों में मैं कितने यूनिट बना सकूंगा? क्या इसका आंसर आएगा? फोर थाउजेंड यूनिट्स इज अ बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। जिसको आप यूनिट्स में मेजर करें तो 4000 है, आवर्स में मेजर करें तो 10,000। सब ठीक है? किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो फर्दर एवरीवन पे प्लीज एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं माइक्स इस वजह से अलाउ नहीं करा कि बेध्यानी में आपके बहुत कोई स्टूडेंट्स के माइक्स ऑन हो जाते हैं। हानिया आपको क्लियर है? सॉरी, क्लियर कर दिया,
मैं ठीक कैमरा चेंज कर रहा हूँ उस तरफ की, ठीक है, चेक करना उसकी क्वालिटी में इंपैक्ट आ रहा है क्या। रखिएगा, मैं स्टार्ट करूं तो अपना आप रिज्यूम कर दीजिए, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, ओके, आप रिज्यूम कर दीजिए। आप इसको पॉज करिएगा प्लीज। म्यूट तो नहीं, ओके। तो क्वेश्चन अब मैंने समझ किए हैं वो चीजें जो हमने अब तक पढ़ी है। ब्रिटेन एज क्वासी कैपिटल मेक्स इट सेकंड प्रोडक्ट एंड एंड ईच माइक आपको आउट नहीं है ना, बहुत पावर हो रही है। एंड ईच unit of product A uses 3 kilograms of material X, costing 150 rupees per kilogram. तो अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहे कि एक यूनिट हमें कितने का पड़ रहा है, we are calculating the standard cost. तो इसमें हमने रखा डायरेक्ट मटेरियल, एक यूनिट में कितना मटेरियल लग रहा है, 3 kg, करेक्ट। व्हाट कॉस्ट ऑफ 3 kg, 150। तो पर यूनिट हमारी कॉस्ट कितनी बनेगी, 450 रुपीज पर यूनिट। एब्जॉर्प्शन को इशारा करूंगा, बोलेगा ओके। मार्जिन को बोलूंगा भाई ठीक है, तबियत सेट है, बोलेगा ओके। अब अगला दूसरा इसकी लगेगा डायरेक्ट लेबर, लेबर कितना टाइम ले रहा है यूनिट बनाने में, 2 आवर्स। और खरीद किया जा रहा है 175 रुपीज पर आवर, दिस इज 350 रुपीज पर आवर। और मैंने कह दिया कि ये खर्चा यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। एब्जॉर्प्शन को बोला ओके, बोला ओके। मार्जिन को बोला भाई ठीक है, बोला ओके।
अब मैं कहता हूं कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 780,000 की हम यूनिट कॉस्ट में डालेंगे, मार्जिन कॉस्टिंग बोलेगा बस कहते मैं नहीं पाता, मार्जिन कॉस्टिंग यही रूम है। उसने क्या किया, कहा कि बस एक यूनिट बनाने में खर्चा कितना आएगा, लेकिन मैं तो आगे जाऊंगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हमने बजट किया है कि अप्रैल के महीने का फिक्स खर्चा 780,000 होगा, और बजट किया है कि नॉर्मली हमारी फैक्ट्री 20,000 घंटे ऑपरेट करती है, तो हम अप्रैल की शुरुआत में ही मार्च के आखिर में ही ये कैलकुलेट करके रख लेंगे, ये डिटरमिन करके रख लेंगे कि एक घंटा फैक्ट्री चलने की कॉस्ट कितनी होती है। ओएआर निकालेंगे, ओएआर बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि कितना है आपका 700 डिवाइडेड बाय नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी और बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, एंड यू हैव बजटेड कि हम नॉर्मली अपनी फैक्ट्री में कितने घंटे मशीन चलाएंगे, यस तो एक घंटा फैक्ट्री चलने में हमारा 39 रुपीज का खर्चा आ रहा है। हालांकि ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि एक एक्स्ट्रा घंटा चलने से हमारी 39 रुपीज कॉस्ट बढ़ जाएगी, दिस इज नॉट वेरिएबल। लेकिन हम कहते हैं भाई एब्जॉर्ब तो करना है ना, और हर यूनिट बनने में कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर्स, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 आवर्स पर यूनिट से, हर यूनिट का खर्चा कितना आया 78। प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवर दैट इज 78। जो हमारी हर घर बनाने के लिए फुल कॉस्ट कितनी है 78, और हम यूनिट बेचेंगे कितने में, आगे बढ़ते हैं, सेलिंग प्राइसेस चार्ज है 25%, मार्जिन, लेकिन वो अप्लाई किस पे किया जाएगा, एब्जॉर्ब कॉस्ट पे, यानी वो मार्जिनल कॉस्ट 800 पे नहीं लगाया जाएगा, वो एब्जॉर्ब कॉस्ट 78 पे लगाया जाएगा, कितना 25% मार्जिन। क्या ये 25% एज इट इज 878 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, नो इट्स नॉट कंपेटेबल बिकॉज दिस इज कॉस्ट एंड दैट इज मार्जिन। तो मार्जिन को मार्कअप में, यस वो सेलिंग प्राइस पे लगता है, तो मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट कर लेते हैं, मार्जिन हमेशा छोटा होगा, मार्कअप हमेशा बड़ा होगा, तो कन्वर्जन फॉर्मूला हमने क्या बोला था, मार्जिन ऑफ 25% इज चार्ज दैट इज इक्विवेलेंट टू 33.33% मार्कअप।
क्या ये 33.33% हम 878 पे लगा सकते हैं? यस। कितना बनेगा? 1170 rupees. किसका है? इसरा का। सही है, चले आगे। ओके, तो चाहे आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करें, चाहे आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करें, एक यूनिट बेचेंगे कितने में? 1170। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करेंगे तो हर यूनिट की कॉस्ट मानेंगे 780 में, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हर यूनिट की कॉस्ट मानेंगे 800। क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ते हैं, फिर इसको फाइनल सॉल्व करते हैं। During April, 10,350 units were produced. What is this 10,350? Actual production. पहले जो हम बातें कर रहे थे, that was for budgeted. और ये बात हकीकत है कि हमने 10,350 बनाए हैं. And actual factory cost per month. बस 800,000 बजट हमने क्या किया था, कितनी होगी? 780। और एक्चुअल कितनी आई है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर नहीं करता, बिकॉज दिस इज बजट एंड दिस इज एक्चुअल। कंपैरिजन किसकी होती है? एब्जॉर्ब नाउ लेट्स सी हाउ मच वुड बी एब्जॉर्ब। आप पर यूनिट कितना खर्चा चार्ज कर रहे हैं? 78। यानी हमारी फैक्ट्री से जब भी प्रोडक्ट एन गुजरता है, रॉ आता है, डब्लिया भी बनता है, बाहर जाना होता है, तो मैं उसको 78 rupees थैंक यू चिप कर देता हूं कि बड़ा ये ले लिया और ये तो महीने भर में ये खर्चा तुम्हारे ऊपर चार्ज होगा। तो मेरे कारखाने से इस महीने में 10,350 यूनिट गुजरे हैं और हर यूनिट की कॉस्ट में मैंने कितने कितने चिपकाए हैं? 78। किस तरीके से निकलेगा? एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी 10,350 मल्टीप्लाई बाय OAR 78 rupees पर यूनिट, 7 होती थी तो हम कैलकुलेट कर लेते थे, लेकिन हमें 7 नहीं है। तो सिलसिला क्या बनेगा कि हमें मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने देखा था कि मार्जिन से मार्कअप में कन्वर्ट करने का एक कन्वर्जन रेशियो है, तो जब हमको कन्वर्टर लगाते हैं तो 33.33% मार्कअप आ जाता है और ये अपना होगा कॉस्ट पे। ठीक है, ये अपना होगा कॉस्ट पे। यस, ये कैसा है? और क्वेश्चन किस टाइप का? सो विकी, 33.33% ये हमारा बना मार्कअप।
Now, this is cost or cost of 878. उसपे हम लगाएंगे मार्जिन ऑफ 33.33%. ठीक है, मार्कअप लगाएंगे 33.33%, और ये 33.33% किस पे लगेगा? कॉस्ट पे. कॉस्ट इज 878. फातिमा विकी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ देना. फातिमा आप भी देख सकती हैं कि हमने ये सोचा था कि अंदर आने वाले महीने अप्रैल में हमारा फिक्स्ड खर्चा आएगा 780,000, और ये भी सोचा था कि हम अपनी फैक्ट्री को 20,000 घंटे ऑपरेट करेंगे. हाउ टू बी कैलकुलेट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, दैट इज बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी. सो द बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वाज 780,000 डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी वाज 20,000 आवर्स. हर यूनिट का हमारी कॉस्ट आ रही है 35 रुपीज पर आवर. This is not per unit, this is per one hour. और क्वेश्चन में ये वाजे है कि एक यूनिट बनने में टाइम कितना लगेगा? दो कीमती घंटे. जब हमारी फैक्ट्री में एक घंटा चलने का खर्चा 39 है, तो दो घंटे चलने का खर्चा कितना होगा? 78. अब हुआ यू कि हमने पहली अप्रैल से ही पकड़ धकड़ शुरू कर दी कि जो भी यूनिट हमारी फैक्ट्री से गुजरा, रॉ आया, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिनिश गुड बन के जब जाने ही वाला था, तो हर यूनिट को हम 78 रुपीज प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब करते जा रहे थे. तो बाय द एंड ऑफ मंथ वी हैव प्रोड्यूस्ड 10,350 यूनिट्स और हर यूनिट को 78 रुपीज फिक्स कॉस्ट चार्ज की गई है. जो आपने पूरे महीने के अंदर 807,300 का खर्चा इन्वेंट्री को एब्जॉर्ब कर दिया है, ये आपने इन्वेंट्री के हवाले कर दिया है. ये खर्चा तो इन्वेंट्री में डेबिट हो चुका. अब हम आगे की कहानी पे आते हैं कि हकायक क्या है. ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मजीद क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, इसको मैं पॉज करिएगा थोड़ा. तो संस्था की पता कि 807,300 एब्जॉर्ब कर चुके हैं, लेकिन पता ये चल रहा है कि हमारा एक्चुअल जो खर्चा आया है वो 8,00,000 है. इन्वेंट्री में ऑलरेडी हम कितना डेबिट कर चुके हैं? 807,300. लेकिन मुबारक को एक्चुअल खर्चा 8,00,000 है, बचत हो गई. हम इन्वेंट्री में 7,300 ओवर एब्जॉर्ब कर चुके हैं, करेक्ट, ज्यादा चार्ज कर चुके हैं, बचत हो गई. प्रॉफिट लॉस में नुकसान तो नहीं जाएगा कम से कम. ठीक है, तो 7,300 का फायदा हो जाएगा क्योंकि हमने एब्जॉर्प्शन ज्यादा की है. आगे बढ़ते हैं, प्राइसिंग कर सकते हैं. कंपनी सोल्ड 9,700 यूनिट्स ड्यूरिंग अप्रैल. हमने बेचे कितने यूनिट्स हैं? 9,700. यानी अगर हम सेल्स कैलकुलेट करें तो हमने बेचे हैं 9,700 यूनिट्स और हर यूनिट कितने में सेल किया है? 1,170 में. करें जो हमने कस्टमर से कितने पैसे ले लिए? वी हैव बीन एबल टू सेल 9,700 यूनिट्स एंड आई हैव इनवॉइस ईच यूनिट एट 1,170 रुपीस. द रेवेन्यू इज
company sold 9,700 TVs. उसी पे लगाई जाएगी। आप देखें आपको अभी की कब पता चलेगा कि खर्चा इतना नहीं आया। एंड में क्या आप सारे के सारे यूनिट्स मार्च के आखिर में बेचेंगे, हम तो ड्रॉप बेचेंगे। तो सेलिंग प्राइस जो सेट की जाती है वो हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे की जाती है, कभी भी एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं की जाती। तो प्राइस तो आपने महीने की बिक्री पे ही अनाउंस कर दी होगी, इस महीने की प्राइस इतनी होगी। रोज रोज हम चेंज नहीं कर सकते और रोज रोज करने की गुंजाइश भी क्या, हमें तो हमारी आंखें तो महीने की आंखें खुलेंगी जब मे भी सब कुछ बिक चुका हो। तो प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे ही सेट की जाती है। 1170 कैसे आया, हमारी कॉस्ट है 878, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 878, उस पे मार्कअप लगाएंगे 1/3, 33.33%। तो कैसे कैलकुलेट करिएगा, 878 का 1/3 यानी 33.33% कितना बनेगा, 292, यानी 878 रुपए की हमारी कॉस्ट है, 292 रुपए हमारा उसमें मार्कअप है, हमारा जायज मुनाफा है। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कस्टमर को हम 878 की कॉस्ट प्लस 292 की सेल का प्रॉफिट चार्ज करके 1170 रुपए में एक यूनिट बेचेंगे। आप मुझे फिगर दोबारा वेरीफाई करिएगा प्लीज। 11 million यानी 1,11,349,000 तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग चार्ज करें या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलाएं, मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन आपने जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो 1,13,49,000 का है। आप देखते हैं कि प्रॉफिट कितना होता है या लॉस कितना होता है। यस, मैंने आपको सिस्टम बता दिया, सेलिंग प्राइसेस चार्ज एट 25% मार्जिन व्हिच इज बेस्ड ऑन व्हाट, सही है। तो सेलिंग प्राइस का जो 25% मार्जिन लगाएंगे वो हमेशा एब्जॉर्ब कॉस्ट के बेसिस पर नहीं करते। बिल्कुल exactly. लेकिन अगर मैं ये कहता कि 25% मार्कअप या मार्जिन चार्ज किया जाता है ऑन कॉस्ट, तो मार्जिनल की कॉस्ट मुख्तलिफ होती, एब्जॉर्ब की कॉस्ट मुख्तलिफ होती और दोनों पे सेलिंग प्राइस भी मुख्तलिफ बनती। यहाँ पे मार्जिनल की कॉस्ट मुख्तलिफ है, एब्जॉर्ब की कॉस्ट मुख्तलिफ है, लेकिन मार्कअप चार्ज करने की मेरी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है, जो कि मैंने क्वेश्चन में वादा कर दिया कि मैं 25% मार्जिन लगाऊंगा वो एब्जॉर्ब कॉस्ट पे लगाऊंगा। सिस्टम में कोई सा भी यूज करो, चाहे मैं मार्जिन कॉस्टिंग यूज करूं या मार्जिन यूज करूं, लेकिन जो परसेंटेज लगाऊंगा मार्जिन की वो हमेशा किसके लगाऊंगा। तो आपका पॉइंट वैलिड है। अगर मैं ये कहता कि हम कॉस्ट पे 25% या 33% मार्कअप चार्ज कर देते हैं तो एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट अलग बनती, मार्जिन की कॉस्ट अलग बनती, इसकी सेलिंग प्राइस अलग बनती, इसकी सेलिंग प्राइस अलग बनती। लेकिन सेलिंग प्राइस की प्रैक्टिस मैंने स्टैंडर्ड कर ली है। हाँ, नहीं करें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में स्टॉप कर दिया, क्वेश्चन में मैंने वादे कर दिया कि प्राइस चार्ज करने का तरीका कॉमन है, कॉस्टिंग मेथड कोई सा भी है, ठीक है। यस, फातिमा, नॉर्मली हम ये करते हैं कि हमारी जो अंदर की कंपनी की प्रैक्टिसेस होती है ना,
इसकी चीटें हम कस्टमर पे ज्यादा नहीं गिराते। कस्टमर को इस बात से बड़ी खुशी होगी कि अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करें, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग से आपकी कॉस्ट कम दिखेगी और आप मार्कअप भी कम चार्ज करेंगे, उनकी सेलिंग प्राइस भी सस्ती पड़ेगी। लेकिन उनका क्या है, उनका तो फायदा है, गले में तो हमारे आएगा ना। इस वजह से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दो अलग अलग कॉस्टिंग सिस्टम लगाते हैं। सेलिंग प्राइस आप डिटरमिन करने के लिए मे बी एक फिक्स पैटर्न रख लें, लेकिन जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा वो दोनों कॉस्टिंग सिस्टम्स का मुख्तलिफ आएगा, जो कि हम अब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं स्टैंडर्ड बेसिस पे, लेकिन जो हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे वो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की अलग होगी और मास्क कॉस्टिंग की अलग होगी। कैसे होगी वो हम अब देखते हैं। ओके, हम पहले प्रॉफिट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट, यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले रखते हैं सेल्स रेवेन्यू। हाँ, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलाए या मार्जिनल कॉस्टिंग चलाए, रेवेन्यू तो आपका सेम है ना। कितना रेवेन्यू है, 11,349,000 और इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले हम रखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। चूंकि हमें क्वेश्चन में बताई नहीं गई है, यानी मार्च के बिगिनिंग में हमारे पास कुछ यूनिट्स अनसोल्ड रखे हुए थे, ऐसी कोई कहानी हमें नहीं बताई गई। फिर इस महीने हमने प्रोडक्शन की है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट पे एक में रखा हुआ हूं डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा रख रहा हूं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आई है एक यूनिट बनाने में, 800, लेबर प्लस मटेरियल 800, और यूनिट्स आपने कितने बनाए हैं, बनाए कितने हैं, 10,350 ना, 10,350 में बनाए कितने पुरुषों सेल नहीं किए, तो हमने बनाए हैं 10,350 यूनिट्स, और हर यूनिट की डायरेक्ट कॉस्ट है 800, तो 10,350 मल्टीप्लाई बाय 800 8 मिलियन, हाँ जी, 280,000, ठीक है, 80,000, 8,280,000। उसके अलावा एब्जॉर्ब हमने कितने किए हैं, वहां पे लिखा हुआ है 78 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन 10,350, वी हैव एब्जॉर्ब 807,000। डायरेक्ट कॉस्ट को भी हिस्सा दे रहा है और
फिक्स कॉस्ट को भी इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी हिस्सा मान रहा है। ये दोनों मिला के एक यूनिट हमें 878 का पड़ रहा है। अब एक बात देखेंगे कि ये जो खर्चे हैं ये कितने यूनिट का खर्चे है, ये 10,350 यूनिट का खर्चा है और सेल्स रेवेन्यू कितने यूनिट का है 9,700। तो अगर 9,700 यूनिट के रेवेन्यू से 10,350 यूनिट की कॉस्ट माइनस की जाए तो बहुत नाइंसाफी है। This is not fair because हम cost of goods sold, grammar देखिए इसकी, this is the cost of goods sold, जबकि ये है cost of goods produced। इसको सही करने के लिए हम यहां से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या से हमने बनाए हैं 10,350 यूनिट्स और बेचे हैं 2,700, कितने अनसोल्ड रह गए 650, 650 यूनिट्स चूंकि बिक ना सके तो उसका खर्चा इस साल एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। इसको खर्चा हम तब मानेंगे जब ये बिकेंगे इंशाल्लाह मई में। और हर यूनिट का खर्चा कितना है 878, 800 तो डायरेक्ट है। मार्जिनल से पूछता हूं इस महीने चार्ज करो, बोला क्या हो गया अगलो जो नहीं करा भाई ना कुछ। फिर मैं पूछता हूं 78 का खर्चा भी इन्वेंट्री में ले जाओ तो मार्जिनल कहता है क्यों भाई, जो 78 का खर्चा है वो तो फिक्स है, वो तो मार्च की वजह से है, मार्च को भरने दो। मार्च में कहता है उसको बाद में देखेंगे, पागलवानी बातें करता है, मेरी बात सुनो 78 को भी लेके चलो। तो हम मार्च का खर्चा मार्च में चार्ज नहीं कर रहे, मार्च का खर्चा समेट के ले जा रहे हैं अगले महीने में। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि खर्चा कौन से महीने का है ये जरूरी नहीं है, कितने यूनिट्स का है ये जरूरी है। यूनिट्स बिकेंगे तो खर्चा मानेंगे, नहीं बिकेंगे तो नहीं मानेंगे। तो फिलहाल हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो कितना खर्चा यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं 878 का। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या बनेगी 878 × 650 8,16,600 This is cost of goods sold. वेरीफाई कर लो एक नजर कितनी गुड सेल हुए हैं, लिखो कैलकुलेटर पे 9,700 और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 878, तो 9,700 मल्टीप्लाई बाय 878 कितना बन रहा है 600 भी आ रहा है। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स रिपीट, ओके नाम क्या बताया इसका असजद, असजद हमने यूनिट बनाए कितने हैं इस साल 10,350 ये हमने प्रोड्यूस किए हैं और इसमें से बेच कितने दिए हैं 9,700। तो अगर आपने 10,350 यूनिट बनाए जिसमें से 9,700 तो सेल हो गए, बाकी सेल नहीं हो सके 600। और पहले हम देख चुके हैं कि एक यूनिट बनाने की हमारी कॉस्ट कितनी है, यहां पर हम देख चुके थे कि हमारी कॉस्ट है 878। तो अगर एक यूनिट 878 का है और हमारे पास 600 यूनिट्स अभी अनसोल्ड है तो हम 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 878 रुपीज से। तो ये 878 की कॉस्ट हम इस महीने को चार्ज नहीं करेंगे बल्कि लेके चलेंगे अपने साथ अगले महीने में। आप खुद देख लें 600 मल्टीप्लाई बाय 878 कितने बनेंगे 5,17,000
700 which one? This is 650. Fair. तो ये 85,16,600 रुपए हमारी 9,700 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट है. इसमें 650 यूनिट्स बने हैं और लेकिन उसको हम खर्चा इस साल इस महीने इस वजह से नहीं मान रहे क्योंकि वी हैवंट बीन एबल टू सेल. तो इनको हम कैरी फॉरवर्ड करके अगले महीने दिए जाएंगे. लेकिन एक और इश्यू हुआ है कि हमने एब्जॉर्ब कितने किए हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये रहा 8,07,300 हम इन्वेंट्री की वैल्यू में एब्जॉर्ब कर चुके हैं. 807,300 हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं जबकि एक्चुअल कितना खर्चा आया है. एक्चुअल खर्चा मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था दैट वाज 8 लाख. क्योंकि हम 7,300 का खर्चा ज्यादा एब्जॉर्ब कर चुके हैं और खुशकिस्मती से फॉर्चुनेटली हमारा खर्चा एक्चुअली आया कम है तो 7,300 का फायदा हुआ है इस साल. इसको हमने नाम क्या दिया ओवर एब्जॉर्ब. अब आप इन्वेंटरी में चार्ज कितने कर चुके हैं 8,07,300 जिसमें से 7,300 तो चार्ज नहीं होना चाहिए था लेकिन जब फायदा हुआ है तो आपको दो और नुकसान हो तो मैं भरू ऐसा तो नहीं हो सकता. तो मैं क्लोजिंग इन्वेंटरी में कितने पैसे डालता हूँ 78. हालांकि आपका खर्चा तो 78 नहीं आया उसे तो कम आया है लेकिन वो मैं आपको क्यों बताऊं. जब नुकसान का जिम्मेदार मैं था तो फायदे का भी हिस्सेदार जिम्मेदार मैं बनूंगा. बस अब आप छोड़ो तो मैं क्लोजिंग इन्वेंटरी को ऑल्टर नहीं करूंगा इसकी वजह से और ओवर एब्जॉर्ब के कारण से खर्चे से हटा दूंगा. खर्चे को कम करना भी इनकम है तो मैं इस खर्चे को 85,16,600 का मेरा खर्चा है ना इस खर्चे को मैं 7,300 से माइनस कर रहा हूं. समझ में आ रही है माइनस क्यों कर रहा हूं क्योंकि खर्चे को कम करना भी इनकम है एंड आई एम चार्जिंग दिस एज एन इनकम. अच्छा अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल कितनी हुई है. तो 85,09,300 की हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. जब हम रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट. हिस्सा इस महीने वाला जीपी कितना है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 28,39,700. So gross profit is sales revenue minus production costs only. इसमें से हमने कोई भी non production cost minus नहीं किया है. Non production cost मतलब factory से बाहर कारखाने से बाहर जो उनकी खर्चे आते हैं उनको हम non production कहते हैं. Packaging है, marketing है, selling है, distribution है, administrative staff है, finance department है, audit department है, accounts department है, tax department है, finance cost है वगैरह. ये वो खर्चे हैं जो कंपनी को चलाने में ऑपरेट करने में आते तो हैं लेकिन कारखाने से बाहर फैक्ट्री से बाहर
तो उनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। नॉट क्वेश्चन की तरफ देखें तो मैंने आपको बताया कि हमने दो तरह की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बेयर की है। एक तो हम अपने सेल्समैन को, सेल्स स्टाफ को कमीशन पे पे कर रहे हैं फॉर ईच यूनिट सोल्ड। कितने कमीशन दे रहे हैं? 8 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। तो इसमें से हम माइनस करेंगे सेलिंग कमीशन। हमने यूनिट्स बेचे कितने हैं? 9,700। और हर यूनिट बेचने पे इनको कमीशन कितनी मिल रही है? 8 रुपए। लेकिन इसका प्रोडक्ट यूनिट बनने से ताल्लुक नहीं है, यूनिट बिकने से ताल्लुक है, सेल्स है। कितना और बचा है? 77,600। ये हुई हमारी वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा मैंने आपको फिक्स कॉस्ट बताई है, वो कितनी है? मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग एंड एडमिन, वो मैंने फिक्स बता दी है, वो कितनी है? 170,000 रुपए की हमारी मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट है। जब जीपी में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना बन रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 92,100 यूनिट्स यहां पे नहीं बिक पाए, ये अगले मंथ के लिए बनेंगे ओपनिंग स्टॉक। और ये खर्चा जो हुआ तो मार्च में है, लेकिन क्योंकि मार्च में वो यूनिट सेल नहीं हो पाए तो ये खर्चा भरेगा अप्रैल में हुआ है तो मैं भरेगा, खर्चा मैं भरेगा। वो महीना जिसमें यूनिट्स बिकेंगे वो महीना वो खर्चा बेयर करेगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इस बात पे फोकस करते हैं कि कॉस्ट प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन, वेरिएबल है या फिक्स है, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन है, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, हम उसको प्रोडक्शन कॉस्ट में रखेंगे। नॉन प्रोडक्शन है, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, हम उसको नॉन प्रोडक्शन में रखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग फोकस प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन पे नहीं करता। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो पर्सपेक्टिव है वो वेरिएबल और फिक्स्ड है। तो हम यहां पे सेल्स में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर रहे हैं तो जीपी आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सेल्स में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे, बल्कि सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। क्योंकि इसका साइट जो पर्सपेक्टिव है, जाविया है, जिस नजरिए से देखता है, वो प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, वो वेरिएबल और फिक्स की डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से पहले माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन में क्या कर रहे थे? सेल्स में से माइनस कर रहे थे प्रोडक्शन कॉस्ट, तो आ रहा था ग्रॉस प्रॉफिट।
मार्जिनल में हम सेल्स में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। ये आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। सो व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन? इट्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये मार्जिनल है। एक यूनिट बेचने से कमाएंगे कितना, एक यूनिट बनाने से आएगा कितना खर्चा? तो यूनिट बनाने से जो कमाएंगे और यूनिट बनाने से जो खर्च करेंगे, तो एक यूनिट पे हमें क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन है। ये डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होगी। यहां पे आप उन खर्चों को भी शामिल कर रहे हैं जो इजाफी यूनिट की वजह से नहीं आ रहे। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट नेगेटिव है, लॉस है, तो चलेगा, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन अगर नेगेटिव हुआ ना तो नहीं चलेगा। मिसाल हमारा रेंट सर्विस का तो वैसे ही आ रहा है, बिजली का बिल तो वैसे ही आ रहा है। होता यह है कि किसी एक बैच में इलेक्टिव का पेपर होता है, उसमें सिर्फ हमारे पास 6 बच्चे रजिस्टर होते हैं, और 6 बच्चों से लेट्स से प्रिंसिपल अगर 15,000 रुपए कोर्स चार्ज करता तो हमें मिलते 90,000। और उस सब्जेक्ट के लिए हम अगर टीचर को असाइन करेंगे तो टीचर को हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी और बच्चों की वजह से, और तो इतनी ज्यादा है नहीं। जब हम मान लें कि अगर जैबिस एक टीचर को सब्जेक्ट करवाने के 1,20,000 रुपए देता हो, वो 1,20,000 रुपए का खर्चा कब आएगा? जब बैच को एंगेज किया जाएगा, जब बैच को एंटरटेन किया जाएगा। अगर हम बैच को एंटरटेन करते हैं तो रेवेन्यू कितना आएगा? 90,000। और खर्चा कितना आएगा? 120,000। ये 30,000 का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। क्या जैबिस को बैच स्टार्ट करना चाहिए ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स? नो। लेकिन अगर टीचर को हम देते हैं 50,000 रुपए, तो हाउ मच विल यू बी गेटिंग? 40,000 प्लस 90,000 का रेवेन्यू एंड 50,000 की सैलरी, 40,000 प्लस महंगा। कहेंगे रेट इतना महंगा, 40,000 रुपए में क्या बचेगा? तो हम ये कह सकते हैं कि रेट तो वैसे ही भर रहे ना, आप ये बैच स्टार्ट करेंगे ना करें, रेंट तो वैसे ही देंगे, तो वो उसको चार्ज करने की क्या जरूरत है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो वो रेंट ही चार्ज कर रहा है ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे फैसला नहीं लिया जा सकता, गलत हो जाएगा। फैसला लेने के लिए कौन सी कॉस्टिंग यूज होनी चाहिए? मार्जिनल कॉस्टिंग। सो हम यहाँ पे जीपी नहीं करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। उसके दो तरीके बताता हूं। अगर आप सेल्स में से माइनस करें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट रूम है, तो इसको हम कहेंगे ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। और जब सेल्स में से हम तमाम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो है ही, लेकिन सेल्स मैन को, सेल्स स्टाफ को हम कमीशन भी दे रहे हैं, लेकिन सेल्स स्टाफ को कमीशन देना क्या प्रोडक्शन कॉस्ट है? क्या वेरिएबल कॉस्ट है? हाँ, सीरियस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट टोटल बनेगा नेट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। ये टर्म बिलखसूस मार्जिनल कॉस्टिंग ही यूज करता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इस टर्म की एग्जिस्टेंस है ही नहीं, सीएम की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की। सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग। अब हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग।
ओके हाउ मच इज योर रेवेन्यू, सबसे पहले हम रखेंगे सेल्स रेवेन्यू। अगर हम कर चुके हैं एक कॉस्टिंग सिस्टम कैसा भी हो प्राइस हमारी वही रहेगी, तो हमारा रेवेन्यू आएगा 11,349,000। देखिए क्योंकि आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो अब के बार आप रेवेन्यू में से माइनस कॉस्ट ऑफ सेल नहीं करेंगे, इसमें से आप माइनस करेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक कितना है नेट, क्योंकि एप्पल की बिक्री हमारे पास यूनिट से ऐसा कुछ पता है नहीं है। उसके बाद हम इसमें रखेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, how much was direct cost 800, yes 800, and how many number of units have you produced 10,200 350, so the cost is 8,280,000। ye hamari direct cost hai jisme material aur labor yani 800 rupaye ka kharcha shamil hai, since we are calling marginal now फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे नहीं आएगी और हम इसमें से माइनस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स डू यू हैव अंशुल, 650, एट व्हाट वैल्यू विल यू बी कैलकुलेटिंग ईच यूनिट एट 878 या 800 नाउ? अगर आप एब्जॉर्प्शन फॉलो करते तो 878 पे एक यूनिट वैल्यू हो सकता था, लेकिन अब आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं मार्जिनल, रमन ना एट तक नहीं है सवाल ओके। सो क्लोजिंग स्टॉक में हम वैल्यू रखेंगे 800 रुपए के हिसाब से, 78 हम क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा नहीं मानेंगे क्योंकि हम एब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं। हाँ लेकिन मार्जिनल कॉस्ट 78 को ऑन नहीं कर रहा, करेक्ट, क्योंकि 78 अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक में डाला तो फिर यहां से लेके आप अपने में चले जाएंगे, जो कि मार्जिनल कॉस्ट नहीं लेके जाने देगा। मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फर्क ही यही है कि वो 78 को लेके जाएगा कि 78 को लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वो मैंने सिस्टम बता दिया था कि प्राइस कि मार्कअप हम उसी पे लगाएंगे, लेकिन अगर आपने फॉलो ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर लिया तो मार्जिनल कॉस्टिंग को तो काट दें, प्राइस वही रहेगी चाहे आप कौन सा भी सिस्टम फॉलो करें, लेकिन प्रॉफिट की कैलकुलेशन दोनों की अलग अलग रहेगी। ओके तो क्लोजिंग स्टॉक एक यूनिट कितने का पड़ रहा है एट 800 एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स यू हैव सोल्ड 650, 650 बटे 800 5,20,000, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट अगर माइनस करें तो ये कितनी बनी दोनों को नेट ऑफ करने के बाद 8,20,000 माइनस 520 7760। This is variable production cost. यानी आपने यूनिट बेचे कितने 9,700 को अगर आप 800 से मल्टीप्लाई करते हो क्या आंसर आएगा 9,700 मल्टीप्लाई बाय 800 7,760,000। This is variable production cost. सेल्स में से जब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ₹35,89,89।
अब इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। सेल्स हिसाब से कमीशन कितने दे रहे हैं? 8 रुपीज पर यूनिट एंड यू हैव सोल्ड 9,700 यूनिट्स, तो कॉस्ट इज 100%, 77,000। यस नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो ओवर ही एनर्जी कहां नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हमारा आइडिया नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कितना बड़ा? 3,511,400। ये एक बार मेरी कहानी समझ लीजिएगा, हमारी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस 1100 कुछ था ना, 1170। चेक कर लें, 1170 इतने में एक यूनिट आप बेचेंगे, एक यूनिट बेचने से 1170 जेब में जाएंगे। माइनस हर यूनिट बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 800। तो वो चीज जो 800 रुपए की डायरेक्टली पड़ रही है, 1170 की बेची जा रही है, हर यूनिट में क्या बचा रहा है? 370। दिस इज योर ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। 370 को मल्टीप्लाई करो 9,700 से, 370 मल्टीप्लाई बाय 9,700। ये चेक करो, सही है? अच्छा, ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद यूनिट में आते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोविजन कितनी दे रहे हैं? 8 रुपए। 8 रुपए, तो एक यूनिट बेचने से हमारी जेब में क्या जा रहा है? 362 को मल्टीप्लाई करें 9,700 से, 2 है, 1 प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट है, 1 नॉन प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट है। आपका एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स कितना है? 8,00,000। क्योंकि हम महीने के आखिर में खड़े हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन की तो कोई कहानी नहीं थी, तो बजट करने का भी कोई तुक नहीं बनती कि बजट कर क्यों रहे, एब्जॉर्प की कहानी नहीं है। तो साल जब महीना खत्म हो गया तो हमारे सामने 8,00,000 की चीज तो विजिबल है, तो 8,00,000 का तुक्का मारने की या 7,80,000 का तुक्का मारने की जरूरत क्या है? वैसे भी कौन सा एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं? तो 8,00,000 का ये खर्चा है और दूसरा मार्केटिंग एंड एडमिन का खर्चा है। कितना? 1,70,000। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग अलग अलग प्रॉफिट दे रहे हैं या सेम दे रहे हैं? चेक कर लो एक बार। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट था 25,92,100 और इसका है 25,41,400। फर्क कितना है दोनों में? रिपीट, 50,700 का फर्क है। वजह क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट को खर्चा नहीं मान रहा क्या? मान रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट को खर्चा नहीं मान रहा क्या? मान रहा है।
लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग खर्चे की चोरी भी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, मार्च का खर्चा अप्रैल का खर्चा उठा के मई में लेके जा रहा है। देखो कितनी चोरी की है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने कहा कि एक यूनिट कितने का पड़ रहा है, 878 का। मार्जिनल ने कहा कितने का पड़ रहा है, 800 का। उसने 78 फिक्स कॉस्ट की दबा दी है। कहा कि बेटा मैं लेके जाऊंगा, कितने लेके जा रहा है, 78 रुपीज लेके जा रहा है। और कितने समय पे लेके जा रहा है, यहाँ से 650 यूनिट। 78 को 650 से मल्टीप्लाई करें, 650 मल्टीप्लाई बाय 78, 50,700। ये वो अमाउंट है जो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट समिट के अपने साथ ले गया है मई में। यही वजह है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा प्रॉफिट निकाल रहा है। ठीक है, तीन बार कॉल हो चुका है तो वी आर बाइंडिंग इट अप। मजीद किसी को कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लीजिएगा या नेक्स्ट क्लास में हम शेयर कर लेंगे। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिएगा।